नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। बिहार के समस्तीपुर में निजीकरण करने के विरोध में जनवादी नौजवान सभा ने एक विरोध प्रदर्शन किया है, वहीं उन्होंने सरकार के खिलाफ पैदल मार्च भी निकाला है। देखिए, बिहार के समस्तीपुर में निजीकरण करने के विरोध में जनवादी नौजवान सभा ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। समस्तीपुर के उजियारपुर के स्टेशन चौक पर सरकार के द्वारा रेलवे को निजीकरण, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर जनवादी नौजवान सभा के द्वारा पैदल मार्च निकाला गया और एक सभा भी हुआ, जिसमें सरकार के द्वारा किए जा रहे निजीकरण का जमकर विरोध हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। पति है उसको बेच रही है, इसी के खिलाफ आज भारत की जनवादी नौजवान सभा आपके मार्केट होते हुए स्टेशन पर प्रदर्शन कर रही है और एक सभा होगी, जिस सभा की अध्यक्षता के लिए हम DYFI के अंचल अध्यक्ष साथी अशोक कुमार पुष्पम का नाम का मैं प्रस्ताव करता हूं। मैं मौजूद है। हम लोग जो ये कार्यक्रम आज तय किए हैं, ये कार्यक्रम किसी एक का सवाल नहीं है, पूरे भारत में आज जैसा माहौल बना है, सरकार हर संपत्ति को निजीकरण की ओर ले जा रही है और निजीकरण का क्या नकली यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अभी एक छोटी सभा होगी, जैसे हमारे अंचल मंत्री ने बताया, अभी हमारे अंचल के बहुत से साथी हैं, मैं चाहूँगा जो शिव प्रसाद जी यहाँ बोलेंगे, अभी हम तमाम युवाओं को संबोधित करेंगे। आज आपने जो पैदल मार्च के माध्यम से आपने सुना होगा, ये सरकार की जो जन विरोधी नीति है, ये सरकार बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। ये सरकार राष्ट्रीयता की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है और राष्ट्रीय संपत्ति को निजी व्यक्ति के हाथ में सौंप रही है। एक एक करके राष्ट्रीय संपत्ति ये बेचना शुरू कर दिए हैं। ये कहे थे जब ये सरकार में आने से पहले चुनाव में इन्होंने लंबी लंबी भाषण दिया था और समस्तीपुर के जितवारपुर के मैदान में इनका भाषण में यहाँ के भी नौजवान, यहाँ के तमाम लोग दिग्भ्रमित हुए। इन्होंने कहा था जब मेरी सरकार होगी तो हम रोजगार की हर साल हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की व्यवस्था करेंगे, हम ऐसी शिक्षा नीति लाएंगे जो वो रोजगार पैदा करेगी, लेकिन इन्होंने झूठ बोला है। शिक्षा को बेचने का काम किया है, तमाम इनका प्लानिंग चल रहा है, तमाम जो है यूनिवर्सिटी को चौपट करने का काम किया है, तमाम जो है जो निजी स्कूल है, तमाम पढ़ाई जो सरकारी स्कूल है वो निजीकरण करने का इनका प्लान चल रहा है। आम आदमी के हाथ से शिक्षा को भी ये छीनना चाहते हैं। तमाम जो सरकारी संपत्ति है वो पहले हवाई अड्डा को बेचा, इसके बाद एक एक करके वो जो है तो रेल को बेच रहा है। ये समस्तीपुर का रेल कारखाना जो आप देखते आ रहे हैं, इसको भी निजीकरण करने ये जा रहे हैं। मित्रों, संभालने की जरूरत है, इनको समझने की जरूरत है। ऐसा लोग जो राष्ट्र के संपत्ति को राष्ट्रवाद के नाम पर ये अच्छा ये अपने को जो है तो राष्ट्रभक्त कहते हैं और ये राष्ट्र विरोधी है, इनको समझना पड़ेगा। जब हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटिश हुकूमत के समय जो ब्रिटिश का जो फूट डालो राज करो वो उस नीति को लागू करके, यहाँ इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई शिक्षा देने का इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये जो है सो मैंने तमाम पूंजीपतियों के हाथ में शिक्षा को सौंपना चाहते हैं, तमाम निजी व्यक्तियों के हाथ में शिक्षा को सौंपना चाहते हैं। एक एक करके जो भी इनकम का स्रोत है ये अपने निजी आदमी के हाथ में सौंप कर इस देश को ब्रिटिश हुकूमत के तरह आम लोगों को गुलामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना चाहते हैं।